इंदौर जिले में भारी बारिश के चलते प्रशासन ने सभी स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया है। पिछले 24 घंटे में 5-5 इंच से अधिक बारिश दर्ज की गई है, जिससे शहर के कई हिस्सों में पानी भर गया है। इसके कारण बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जिले के सभी विद्यालयों में अवकाश घोषित किया गया है। भारी बारिश के चलते यशवंत सागर डैम का एक गेट खोला गया ताकि पानी का स्तर नियंत्रित किया जा सके। शहर के निचले इलाकों में जलभराव के कारण लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। विजयनगर, रमुना, एवी रोड, खजराना, रिंग रोड जैसे प्रमुख क्षेत्रों में ट्रैफिक जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिससे लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में मुश्किलें हो रही हैं। अपर पुष्यमित्र भार्गव नगर निगम कंट्रोल रूम में पहुंचे और शहर के विभिन्न क्षेत्रों की स्थिति की मॉनिटरिंग की। उसके साथ एडिशनल कमिश्नर अभय राज नांदगांव और मनोज पाठक भी मौजूद थे। कलेक्टर आशीष सिंह ने जिले में लगातार हो रही बारिश को देखते हुए 24 घंटे को सभी आंगनबाड़ी केंद्रों और कक्षा 12वीं तक के शासकीय और अशासकीय विद्यालयों में अवकाश घोषित कर दिया है। भारी बारिश के कारण विजयनगर थाने में पानी घुस गया है, जिससे थाना प्रभारी के कक्ष सहित अन्य कमरों में जलभराव हो गया है। पुलिस कर्मियों ने बताया कि पानी के कारण कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और उपकरण खराब हो गए हैं। पुलिस प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए पानी निकालने के लिए टीमें लगाई हैं और क्षतिग्रस्त दस्तावेजों को सुरक्षित स्थान पर रखा गया। भारी बारिश और जलभराव के कारण लोग सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त कर रहे हैं। एक स्थानीय निवासी पुष्पक मीणा ने लिखा, कुछ घंटों की बारिश ने इंदौर की सड़कों को तालाब में बदल दिया है। BRTS में गाड़ियां नहीं बल्कि नावें तैर रही हैं और थानों में पानी ऐसे घुसा है जैसे वहां से खुद ही FIR दर्ज कराने आया हो।